हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। तो दोस्तों, मैंने तमिल मूवी कैदी का रीमेक, हिंदी रीमेक भोला देखा। भोला मेरी उम्मीद पे खरी उतरी, क्योंकि कुछ उम्मीद ही नहीं थी। और भोला देखने के बाद अगर मैं दोनों मूवी का कंपैरिजन करूं, अगर कैदी 4K वीडियो है तो भोला 144 KBPS की है। भोला देखने के बाद मुझे और एक बार कैदी देखने का मन किया। That's the only good thing that happened with me after watching भोला। तो अगर आप एक रीमेक बनाते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि कम से कम उसी लेवल का बनाए, एक ओरिजिनल का जो इम्पैक्ट है उसी लेवल का इम्पैक्ट आपकी मूवी दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भोला फेल्स टू गिव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट टू द ऑडियंस। पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू मूवीज इज लोकेश कनकराज। उनका जो डायरेक्शन है कैदी में इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर ए न्यू डायरेक्टर। एट दैट टाइम ही वॉज ए न्यू डायरेक्टर। पूरी मूवी में इतने सारे एंगेजिंग सीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रिल देती है ऑडियंस को, और एक के बाद एक चैलेंजेस हीरो को फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अजय देवगन का जो कैरेक्टर है भोला, इसको इतना हाइप किया जाता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी कि जो सस्पेंस है वो निकल जाता है। जबकि कैदी में अनटिल द फर्स्ट फाइट सीन आपको पता नहीं चलेगा कि हीरो कितना पावरफुल है। सेकेंड पॉइंट है इंटेंसिटी, लैक ऑफ इंटेंसिटी इन भोला। जैसा कि मैंने बोला, कैदी एक एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देता है ऑडियंस को राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन। पहले 15 मिनट में एक सीन है जहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर्स जो जहरीले दारू है वो पी के एक के बाद एक गिरते हैं। कोई यहाँ गिर रहा है, कोई स्विमिंग पूल में गिर रहा है, कोई ऊपर से गिर रहा है। काफ़ी अनसेटलिंग सीन है वो, बट द वे इट इज़ एग्जीक्यूटेड इन भोला, आई वुड से वेरी पुअरली एग्जीक्यूटेड इन भोला। यहाँ पे एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर गिरते रहते हैं और तब्बू इज़ लाइक ओके, इनको ट्रक में बिठाओ और भोला ट्रक चलाएगा। जबकि तब्बू का जो काउंटर पार्ट थे कैदी में, उन्होंने जिस तरीके से वो भागते हैं और गिरते हैं, गिरते पड़ते जो इंटेंसिटी वो दिखाते हैं, वो मुझे मिसिंग लगा भोला में। अब बात करते हैं एक्शन की। ज़्यादातर हम देखते हैं कि साउथ इंडियन मूवीज़ में ओवर द टॉप एक्शंस रहती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे कैदी में आपका जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो काफ़ी नेचुरल है, जबकि भोला में काफ़ी ओवर द टॉप एक्शंस हैं जो कि आपको समझ में भी नहीं आते और काफ़ी जगह पे एनिमेटेड लगती है और पुअरली एग्जीक्यूटेड सीन्स लगती हैं। एक सीन है जहाँ पे बाइकर्स चेस करते हैं अजय देवगन के ट्रक को। वो सीन देख के लगा कि ये जो राइडर्स हैं उन्होंने कुछ बाइक राइडिंग का क्रैश कोर्स किया है, बिकॉज दे हैव नो इंटेंशन टू कैच अजय देवगन रैदर देन जस्ट क्रैशिंग इन टू द वुड्स। जबकि कैदी में जो पहला चेज सीक्वेंस है, एक मिनी बस में चेज करते हैं कार्तिक के ट्रक को, वो सीन धड़कने रुका देने वाली है। अब बात करते हैं एपिक सीन्स की। कैदी में काफ़ी सारे एपिक सीन्स हैं। वन ऑफ द सीन्स इज बिरयानी सीन, जहाँ पे कार्तिक आते हैं और बाल्टी भर के एक बिरयानी ख़त्म करते हैं। वो जो सीन का इम्पैक्ट है, वहाँ पे जो हुटिंग होता है थिएटर में, वो इम्पैक्ट आपको भोला में देखने को नहीं मिलेगा। और एंड में क्लाइमैक्स गन सीन, जहाँ पे कार्ती धुआंधार गोलीबारी करते हैं, वो एक जॉ ड्रॉपिंग सीन है कैदी में, एंड पीपल स्टिल दे वॉच अगेन एंड अगेन इन YouTube। और उस सीन का भी इम्पैक्ट उतना नहीं बना है भोला में। एक्टिंग की बात करूँ तो अजय देवगन की एक्टिंग अच्छी है, बट ही फेल्ड टू यूटिलाइज तब्बूज स्किल। कार्ती और अजय देवगन में अगर कोई भोला लगता है तो वो कार्ती ही है। कैदी में जो विलेन है अर्जुन दास, उनका जो वॉइस है वो मैंने काफ़ी मिस किया भोला में। और एक सीन है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं इनसाइड द पुलिस स्टेशन, एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स गेट किल्ड। और वहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जिस तरीके से वो रोती है वो सीन में, दैट हैज़ ए स्पेशल इम्पैक्ट इन द मूवी। बट भोला में वो पेन, वो दर्द समझ में नहीं आता है। तो भोला का सेकेंड पार्ट भी आएगा, क्लाइमैक्स में पता चला, थोड़ा सा ट्विक किया है फ्रॉम कैदी। होपफुली उस वो एक ओरिजिनल स्टोरी हो। तो जाते जाते यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख रखा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ।